नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ और मैं हूं प्रभाकर निराला, इस वक्त पटना के गांधी मैदान से। आज भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये छिहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इस साल 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पटना के गांधी मैदान में मैं उपस्थित हूँ और जहाँ आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झंडोत्तोलन के लिए बस कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। COVID-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए यहां आम लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है और यहां आज बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान से इस वक्त मैं लाइव हूं। बस कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचने वाले हैं। 1757 सिराज उद्दौला ने अंग्रेज व्यापारियों को कलेबंदी पर रोक लगाया। आक्रोशित अंग्रेज व्यापारी का मुखतोड़ जवाब नवाब सिराज उद्दौला ने दिया। अंग्रेज सेनापति क्लाइव की मौत से नवाब का भीषण युद्ध मलासी के मैदान में मीर जाफर मीरत मलासी का जन्म मलासी युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अंग्रेजों की कूटनीति से दूर रहने के लिए कालांतर में नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से अलग कर मुंगेर में बना ली। दिल्ली में मुगल बादशाह का हाल दिन प्रतिदिन कमजोर ही होता जा रहा था। बादशाहत के नाम पर उन्हें पेंशन दिया जाता और शासन की बागडोर पूरी तरह अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। तो इस वक्त आप देख रहे हैं एक काफिला एक अंदर आ रहा है गांधी मैदान में। यह काफिला तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव गांधी मैदान में इस वक्त पधार चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लंबी कतार, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और इससे तेजस्वी यादव आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव अपने गाड़ी से उतरे और अपने स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान कर गए और अब कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री का काफिला आने वाला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का काफिला यहां आ चुका है। वे पधार चुके हैं और वे अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां आने वाले हैं। यह देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला आ चुका है। काफिले गाड़ियों के काफिले के आगे घुड़सवारी करके आगे आगे चल रहे हैं और पीछे से गाड़ियों का काफिला है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में ध्वजारोहण किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त गांधी मैदान पटना से लाइव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया को और लोगों को संबोधन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें सलामी दी जाएगी। इसके बाद वे स्टेज की तरफ चल पड़े जहां से उन्हें ध्वजारोहण करनी है। तत्पश्चात वे अपने संबोधन में लोगों को जनता को बताएंगे कि उनके विचार, उनके आगे की प्लानिंग, उनके आगे के कार्यक्रम क्या हैं, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है और आगे वे क्या करने वाले हैं। उसके बाद परेड होगी और तत्पश्चात झांकियां निकलेगी और जो झांकियां सबसे सुंदर और
यही देशभक्ति हो, ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें आजादी के 75वें महोत्सव के पुनीत अवसर पर सोचिए। भारत देश यानी मानव अधिकार नहीं सब एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह। देश ने क्या दिया और क्या नहीं दिया ये सोचने के बजाय देश को हमने क्या दिया और देश के लिए क्या किया के बारे में सोच और चिंतन। द्वारा डिजाइन किए गगन में लहराते इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पावन अवसर पर मैं समस्त
रास्ते रहे ना। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन, राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों को सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के फल, जल और सब की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार में स्वतंत्रता सेना आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया। इस वर्ष मॉनसून कम वर्षा हुई, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे फसलों की रोपनी समय पर नहीं हो सकी। अगस्त तक औसत वर्षापात में 39% की कमी हुई है, जिससे धान रोपने 80% ही हो पाई है। किसानों को बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए अभी तक लगभग 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 48,506 आवेदनों का सत्यापन हो गया है तथा 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी खासी संख्या में किसानों के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के तहत उपलब्ध विद्युत कनेक्शन में सिंचाई की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले से ही घटाकर 62 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। इसके लिए प्रतिदिन 16 घंटे होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें जैसे मक्का, मूंगफली, उड़द, तोरिया, मटर, भिंडी आदि कुछ आमदनी जरूर हो सके। हमारा शुरू से ही संकल्प है राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो कोरोना महामारी का भी दौर है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है और हम लोगों के देश में तो मार्च 2020 से कोरोना का सामना हो रहा है। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही कोरोना के मामले बीच-बीच में घटते रहे, अभी भी कोरोना के 798 एक्टिव मामले हैं। कोरोना की जांच एवं इलाज की ठोस व्यवस्था की गई। प्रारंभ में ही कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया गया है।
ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी भी प्रतिदिन लगभग 1,00,000 जांच की जा रही है और हर जिले में आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था की गई है। 14 अगस्त तक बिहार में प्रति 10,00,000 की जनसंख्या पर 7,39,000 से अधिक जांच हुई, जबकि पूरे देश का राष्ट्रीय औसत 10,00,000 की जनसंख्या पर जांच का है 6,38,000। यानी बिहार में जांच की प्रक्रिया हम लोगों की पूरी तेज रहती है और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। हम लोग लगातार इस पर ध्यान दिए रखते हैं। मार्च 21 से ही कोविड-19 टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसमें प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक और ट्रिपल डोज को मिलाकर 14,75,00,000 से अधिक कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है तथा लोगों को हर संभव सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मृतकों के आश्रितों को शुरू से ही 4,00,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत सब प्रति को अपने परिवार को 50,000 रुपए देने का निर्णय हुआ, इसलिए हम 4,00,000 के अलावे 50,000 रुपया अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। अब तक कुल 12,996 मृतकों के आश्रितों को 584,82,00,000 रुपए का भुगतान हो चुका है। अब हर दृष्टिकोण से हर चीजों में हम लोग अपना काम करते रहते हैं, ना विधि व्यवस्था हो, सब चीज को और कानून का राज पूरे तौर पर यहाँ पर स्थापित है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने हर थाने को 2 हिस्से में, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, इसमें सारे थाने को 2 हिस्से में बांटा हुआ है और सारे हमारे पुलिस वाले और अधिकारी 2 हिस्से में रहते हैं, ताकि जहां पर कोई क्राइम होता है हम उसको लेकर के उसकी जांच वो करते रहे और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करते रहे। यानी पहले क्या होता था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए 2 हिस्से में कर दिया गया। अब उसके चलते जहां भी कोई भी क्राइम हुआ और उसके लिए जो जांच करना है उसके लिए सब समय जांच पूरे तौर पर करते रहते हैं और पूरा का पूरा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक एक चीज को देखते रहते हैं और समय समय पर और किसी चीज की नहीं कि भाई कितना क्राइम बचा हुआ है। हर तरह से हम लोगों ने यह दिया है कि भाई कुछ भी होता है तो उसका एक लिमिटेड पीरियड में आप उसकी पूरी की पूरी जांच करिए। ये सब काम हम सब लोग कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है और आगे भी इसकी बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पुलिस के लिए वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। हाल ही में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इसके तहत अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी आदि की सूचना पटना स्थित कॉल सेंटर में आने पर तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की सहायता भी पहुंचाई जा रही है। एक दिन जाकर के इस काम की शुरुआत करने का मौका उसको मिला और हमने पूरा विमर्श किया और देखा ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से लोगों को होगा और इसके लिए और भी जितने वाहन वगैरह की बात है उन सबों को बढ़ाया जा रहा और इसके लिए जितने अधिकारियों की और आवश्यकता होगी उनको इस काम में लगाया जाएगा।
जब भी कुछ होता है यहाँ से उस इलाके को सूचित भी करते हैं और यहाँ से भी वहाँ पर भेजने का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब काम हम लोग काम कर रहे हैं और आप समझिए कि शुरू में ही जो हम सब जो है हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का भी शुरू से माहौल कायम किया। शुरू से ही सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये 2006 से ही हम लोगों ने स्पष्ट बात की है और बात को देख करके सारे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसमें सक्रिय रहते हैं, तत्काल वहां पहुंचते हैं, किसी मामले को इसको और ज्यादा खराब होने नहीं देते हैं और सदैव इस काम को देखते रहना है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना सबके लिए काम किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई 2006 में, राज्य के मिली जुली आबादी वाले इलाके में अवस्थित और संवेदनशील कब्रिस्तानियों की घेराबंदी की जा रही है। अब तक 9,442 चिन्हित किया गया है और 7,220 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर ली गई है। यह काम लगातार जारी है ताकि किसी तरह का तनाव नहीं आए, ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2016 से ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना शुरू की है, क्योंकि मंदिरों में यथाकथा मूर्ति चोरी की भी घटनाएं घटती रहती, तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि जहां जिनकी चार दीवारी नहीं है उसकी चार दीवारी हम लोग करें और जो 60 साल से पुराना जितने धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हमारे पुराने मंदिर हैं उनकी घेराबंदी करने का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 295 मंदिरों की चार दीवारी की जा चुकी है और हमने कहा है कि इसके अलावे भी और जितने की भी चार दीवारी नहीं है और 60 साल से कम वाले भी है उनको भी हम लोग आगे देखेंगे ताकि हर हालत में ठीक ढंग से चार दीवारी हो जाए और कोई खचपच इधर उधर नहीं कर सके। मंदिर में जा करके कोई कुछ भी कहीं से कहीं मूर्ति की चोरी भी करता है और ये सब तरह की घटनाएं घटती है, इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने 16 से किया है, इसको आगे भी हम लोग काम करेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने अब आगे का भी यही तय कर दिया है, सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सभा गृह सहित मोक्ष धाम निर्माण का निर्णय लिया गया है। अब परंपरागत सभा गृहों को ठीक कराकर और लोगों को दाह संस्कार एवं बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए मोक्ष धाम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर विद्युत सभा गृह की भी व्यवस्था होगी, यानी जो चाहेंगे वो विद्युत सभा गृह भी कर सकेंगे। ये सब चीज हम लोगों ने करने का निश्चय किया और प्रशासनिक सुधार के लिए भी सारा काम। अब आप जानते ही हैं कि बिहार लोक सेवा कानून हम लोगों ने 11 में लागू किया। अब इसके तहत नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएं एवं नियमित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा। 15 अगस्त 2011 से इसको शुरू किया गया और अब तक 31,62,00,000 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। शुरू में 9 विभागों की 35 सेवाएं थी, अब इसको बढ़ा करके 14 विभागों की 153 सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। अब इसमें से जो भी होता है उसमें 73% केवल जाति का, आय का और किसी के आवास का, निवास का प्रमाण पत्र, इसके लिए सबसे अधिक लोगों का आता है एप्लीकेशन, तो 73% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी कर दिया है लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। अब इसमें 90% लोग ऑनलाइन सुविधा ले रहे हैं, ये सब चीज हो रहा है। और लोक शिकायत निवारण कानून भी आपको मालूम है हम लोगों ने जो लागू किया 16 में, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब तक कुल प्राप्त 12,18,075 आवेदनों में से 11,80,000
ये तो 72 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, अब निरंतर चलता है। लेकिन अब हम लोगों ने तब एक साल से फिर शुरू कर दिया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, अब ये इसको भी शुरू कर दिया है, यानी लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जारी रहेगा, वो चलता रहेगा, और उसके साथ जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यह भी सब चलता रहेगा। अब आपको सबको मालूम है कि हम लोगों ने विकास का जो काम किया राज्य में, सड़कों और पुल पुलियों और भवनों का निर्माण किया। हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं उससे राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय लगा, अब वो जब हो गया तो उसके बाद तय कर दिया हम लोगों ने कि अब 5 घंटे का करेंगे। इसके लिए और ज्यादा सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, ये सब चलता रहा है। और हर तरह से चारों तरफ आप जानते हैं ये फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का जाल बिछाया गया है और अन्य जिलों में आरओबी एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से यानी आप समझ लीजिए पुलियों के लिए भी काम हो रहा है। और एक वो भी आपको मालूम है हम लोगों ने शुरू किया था दीघा से निदारगंज तक जेपी गंगा पथ बनाने का हमने किया था और इसका शुभारंभ किया था 11 अक्टूबर 2013। अब अभी जाकर के 24 जून 2022 से जेपी गंगा पथ के दीघा से पीएमसीएच तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया, इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं। उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे, ये होगा तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं ये सब बिहार में ही कुछ काम होते रहता है, इसलिए समय समय पर आप लोगों के ध्यान में हम लोग ला लेते हैं। अब कितने हुए आप जानते ही हैं कि हर प्रकार के कितने तरह के भवनों का हम लोगों ने निर्माण किया। अब आप नाम नहीं देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र यही देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र जिसमें ज्ञान भवन सबसे पहला बना, बापू सभागार, सभ्यता द्वार पीछे, और हमने यहीं पर सम्राट अशोक की सांकेतिक सिंबॉलिक प्रतिमा लगाई। अब ये कितना बढ़िया है, और जान रहे हैं बापू सभागार में 5,000 की संख्या है, अभी तक देश में कहीं नहीं बना है इतना बड़ा, अब यहाँ पर ये बना हुआ है, अब कितने लोग आ रहे हैं। तो यही सामने देख लीजिए सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हम लोगों ने इसको बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिहार म्यूजियम का निर्माण कराया गया, पटना म्यूजियम का भी विस्तार कर रहे हैं, और दोनों म्यूजियम को पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को आप समझ लीजिए भूमिगत मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू हो गया। और उसके अलावे सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया और यह भूकंप रोधी भवन है, 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के झटके को यह सह सकता है, ऐसा बनाया गया। और इसलिए यहाँ पर पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और सभागार का निर्माण पूरा हो चुका है। और मुजफ्फरपुर में चूंकि बापू आए थे और पटना से मुजफ्फरपुर में ही आगे गए थे, तो मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का सभागार का निर्माण चल रहा है। एसपी अवशेष वैशाली के पास मठ स्तूप से खुदाई करके निकाले गए थे पहले कई साल पहले, और वो वर्तमान में पटना म्यूजियम में रखा हुआ सुरक्षित तौर पर, ये बन जाएगा वहां पर रहेगा, लोग कितनी बड़ी संख्या में उसको देखने जाएंगे। आप जानते हैं वैशाली का भी इसका कितना बड़ा संबंध है। और पूरे तौर पर हमारे जो यूथ है इन सबको साइंस के बारे में नई जानकारी देने के लिए पटना में आधुनिक साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, और इसका नामकरण हम लोगों ने किया था एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उनका निधन हो गया था, उनका बिहार से बड़ा अच्छा संबंध था, आते रहते थे राष्ट्रपति से, तब भी राष्ट्रपति के बाद भी, तो जब उनका निधन हो गया तो हमने कहा कि नहीं उनकी स्मृति में हम इसको रखेंगे, इसलिए उसका नाम हमने एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया। अब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में पटना में बापू टावर बन रहा है,
और उस बापू टावर का निर्माण जो कराया जा रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं विचारों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज बापू के बारे में मालूम हो जाए। कोई भूले नहीं, देश को जो आजाद कराया, नई पीढ़ी के लोगों को हर तरह से याद रहना चाहिए कि हमारे बापू ने क्या किया। तो एक एक चीज वहां पर हम लोग ऐसा करवा देंगे, चारों तरफ से ला करके कर रहे हैं, बराबर देखते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के एक एक बच्चे बच्चियों को पूरी जानकारी बापू के बारे में हो, तो वो हर चीज को देखेंगे। ये भी हम लोग सब बनवा रहे हैं, तो सब तरह से काम कर रहे हैं, और काम हम लोग कौन सा छोड़ रहे हैं। आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण का सब तरह का काम करते हैं, और आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए क्या किया। उनको मौका मिला तो 2006 में पंचायती राज में, और 2007 से नगर निकाय महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं पंचायती राज में और नगर निकायों में काम रह रही, आप जरा इसकी कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी बात हो गई, तो आप देख लीजिए। और पंचायती राज संस्थाओं का तो 4 चुनाव हो चुका। ये हमारा जो मानव विकास मिशन है, उसने पूरा सब तरफ से जानकारी लेकर के 13 में एक बात पूरे तौर पर बताया और जानकारी दिया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है, तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 है। और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है, तो बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2 है। और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है, तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर उन परिवारों का 1.7 है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वेक्षण हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है, तो बिहार में उन परिवारों का प्रजनन दर 1.6 निकला। इसको लेकर के मेरे मन में तो यूरेका की भावना आई, और तभी हम लोगों ने हर पंचायत में 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय किया, और उसके लिए सारा काम, ताकि महिलाएं खूब लड़कियां खूब पढ़े, और उसके चलते प्रजनन दर नीचे जाएगा। और उसके बाद तो हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सब जगह किया, लेकिन हम उसके आगे और उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, एक का इंतजाम इतना करवाएंगे सरकारी और सरकार के बाहर भी, हर तरह से इतना ज्यादा काम पढ़ना चाहिए, ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम है आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं, सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2023 की मीटिंग हुई, और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। यानी कि जल संरक्षित है और हरियाली है, तभी जीवन सुरक्षित होगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जीव जंतु। सब इंस्पेक्टरों के प्रति जिन्होंने परेड में शामिल होने वाली कंपनियों के परेड को 13 दिनों के कठिन परिश्रम से तैयारी की। हम आपको जानकारी दे दें कि आज भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार की इच्छा, हम आपको जानकारी दे दें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की